गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 30th अक्टूबर, कल गोलू की बर्थडे है। कल है 31st अक्टूबर एंड कल गोलू 10 ईयर्स का हो जाएगा। 10 ईयर्स पहले गोलू मेरे पास आया था। गोलू का हाल ये है, कुछ इस तरीके से बैठे बैठे सो रहा है। एक्चुअली गोलू को हेयर कट कराने जाना है, और हेयर कट के ये है सुबह सुबह जल्दी उसके पास नंबर, लाइक जैसे बोलते हैं नंबर वगैरह कुछ लगा दो तो वो जल्दी आता है। अदरवाइज़ क्या, संडे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन गोलू देखो, गोलू गोलू उठो बेटा, लो नौटंकी। तो बस रूम क्लियर ऑलमोस्ट कर लिया है, सिर्फ ये उठेगा उसके बाद ही बेड वेड सब साफ होगा। एंड अभी इसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना है, एंड ब्रेकफास्ट में है आज आलू लगौड़ी। गाइस अभी फिलहाल तो मैं चलती हूँ किचन में, रूम वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है, और रूम क्लियर हो चुका है किचन में चलती हूँ। एंड किचन में आज ब्रेकफास्ट, संडे है, संडे का कुछ हैवी ब्रेकफास्ट बनते हैं, तो आज बन रहे आलू नकौड़ी। रोज़ कुछ ना कुछ पक्का खाना, थक गई खाते खाते। तो किचन में चलती हूँ, आलू नकौड़ी बनाती हूँ, साथ साथ बताती हूँ आपको कैसे कैसे बनाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये समझ लो आलू की सब्ज़ी जो होती है, जो हम आलू उबाल के आलू छौंकते हैं, उसको बस किसी और तरीके से जैसे खड़े मसाले ऐड करके और अदरक एंड धनिया ये सब मिक्स विक्स करके ना अच्छे से बस इसको अच्छे से छौंक देते हैं, एंड गार्निशिंग के लिए धनिया। तो अभी फिलहाल मैं किचन में चलती हूँ और यही सब कुछ बनाती हूँ। तो ऑब्वियसली पहले कढ़ाई रखी। गाइस मैंने ये है सबसे पहले टमाटर, मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे, क्योंकि ये था कि भाई मेरे घर में 8 लोग हैं तो मैं 4 से 5 टमाटर ले सकती हूँ। आप लोग कोई भी अपना जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड ये मैं अदरक इसमें डालूंगी, अदरक मैंने ऑलरेडी इसमें ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए जिससे वो अच्छे से ग्राइंड हो सके। दैन मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च का टेस्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, हरी मिर्च मैं प्रेफर भी ज़्यादा करती हूँ। और ये कुछ 8-10 लौंग ली हैं, 15-20 ये छोटी वाली ये ली है काली मिर्च। दालचीनी मैं जो हूँ साबुत डालूंगी, दालचीनी मैं मिक्सी नहीं करूंगी, मैं ये सब चीज़ें दालचीनी साबुत ही डालूंगी। और ये मैंने 2 ली है काली इलायची, तो ये सब चीज़ें मैं इसके साथ डाल देती हूँ। ये मैंने डाली इसके अंदर हरी मिर्च एंड लौंग, अदरक एंड ये काली इलायची। दालचीनी हमने ऐसी छोड़ दी है, और ये मिर्च। अब हम करते हैं, नेक्स्ट घी डाला हमने कढ़ाई में, ये हींग, जीरा, हल्दी एंड इसमें मैंने डाला 1.5 से 2 चम्मच सूखा धनिया। इसके बाद जो मैंने प्यूरी मिक्सी करी थी ये मैंने डाल दी। अब इसको हम भूनने देते हैं थोड़ी। ये जब तक भून रही है इसमें हमने डाल दी दालचीनी साबुत। हमारी ग्रेवी तैयार होती है, मतलब ये अभी भून रही है, और जब तक हमारी सब्जी तैयार हुई है तब तक मैं सोच रही नगौड़ी का आटा मल लूँ। तो नगौड़ी के लिए हमें चाहिए होती है, मेन जो चाहिए थी वो चाहिए होती है सूजी, और सूजी के साथ हमें चाहिए होती है या तो हमें आटा उसके साथ हमें ऐड करना होता है, या फिर हमें करना होता है मैदा। तो मैं देखती वैसे दो ही चीज़ें होंगी, मैं देख लाल मैं लूँगी सूजी। एक दो एंड ये 2.5। तो गाइस अब इसमें मैंने ले लिया है, इसमें 1/2 कटोरी मुझे लेना है आटा, तो आटा वापस डाला, ये 1/2 कटोरी आटा मैंने इसमें मिला दिया। ये मैंने पहले से छान रखा था, और आप लोगों को भी ये सब चीज़ें छानी हुई रखनी है। ये मिक्स कर दिया एंड ये चॉप करा हुआ धनिया ना, ये मेरा पानी वगैरह मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया क्योंकि ये रेडी हो चुका था, प्योरी भून के मेरी रेडी हो चुकी थी। तो इसमें मैंने हाथों हाथ जैसे कि आपने देखा इसके में मैंने चॉप करा हुआ धनिया डाला, सेम वही मैंने इसमें चॉप करा हुआ धनिया डाला। तो अब इसमें आलू डालते हैं, आलू
नाउ ऐड सम साल्ट, अब ये कुछ कटी हुई मिर्च है जो मैं इसमें गार्निश कर दूंगी, और थोड़ा सा मुझे तीखा भी कम लग रहा था तो मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। तो गाइस अब जो है हम डो को तैयार करेंगे। इसमें पानी डाला, थोड़ा सा ढीला मला जाएगा ये क्योंकि सूजी फूलती है। तो ये मेरा डो रेडी हो चुका है एंड इसको मैंने कटोरी में रख दिया है रेडी। काल किचन से आ चुकी हूँ, गोलू नहा चुका है, गोलू का हेयर कट भी देखो हो चुका है, बेकार लग रहा है, अभी बाल गीले है, उसको लग रहा है बाल बहुत ज्यादा छोटे हो गए, लेकिन एक्चुअल में सही है इसके यहाँ तक बाल आते हैं, सकता है यहाँ पे चोटी बन जाएगी इसकी। तो अभी जो है इसका हेयर कट तो हो चुका है, इसको भी बहुत ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा है मेरे जैसे, सबसे हम दोनों को मतलब एक जो पीस है ये जो गुलाबी ठंड होती है ना इसमें हम दोनों ही बीमार पड़ते हैं। तो मुझे भी कोल्ड एंड कफ बहुत हो रहा है, गोलू को भी कोल्ड एंड कफ बहुत हो रहा है। हम लोग ने कल पार्टी में गए थे, जैसे कि हम व्लॉग में नहीं दिखा पाए क्योंकि फोन नहीं था, तो जैसे हम लोग कल पार्टी में गए थे, कल हम ना हमने कोई ठंडी चीज खाई इसका पता नहीं चलता। तुमने खाई ना? क्या कर रहा था? अच्छा, तो जो है ना गोलू ने कोई ठंडी चीज खाई ना हमने कोई खट्टी चीज, मतलब जैसे कि हाँ पानी बताशे वगैरह कुछ नहीं खाया हमने कल। और हेयर कट वगैरह अब तो हो चुका है और खाना ब्रेकफास्ट वगैरह मैं सब कुछ बना चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं एंड 11:15 बज रहे हैं, तो 11 बजे से तो हमारा जो है ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैंने गर्म पानी गीजर ऑन कर दिया है मैंने, अब मैं जाकर फटाफट से अपना रेडी हो जाती हूँ। नीचे क्यों छुप रहे हो? मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद गोलू के बर्थडे की प्रिपरेशंस, क्योंकि पैकिंग गिफ्ट्स हाउजी में नंबर्स वगैरह सब कुछ जलेंगे। तो अभी बस रेडी होती हूँ। दूध कॉफी? दूध नहीं, नहीं कॉफी ठीक है। कॉफी बना लूं? हाँ। तो गाइस ये है कुछ इस तरीके से नगौड़ी बनेंगी, बहुत छोटी छोटी, जैसे आप जितने जितने छोटे छोटे बनाओगे ना उतना मतलब अच्छे लगेंगी। और जो इसमें ऊपर जो धनिये का कलर था वो देखो, धनिया के पार्टिकल्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब उससे ना नगौड़ी बिल्कुल रौनकदार हो गई। इसे लाल होने तक सेकूंगी मैं। तो मैंने लोई का साइज लिया है, वो सिर्फ इतनी लिया है, 2 उंगली के बराबर, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने क्योंकि फिर छोटी छोटी अच्छी लगती है नगौड़ी। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो ये मैंने सिर्फ इतनी छोटी सी बेली है, अब हम इसको भी वापस से डालते हैं कढ़ाई में। अभी फिलहाल नहा धो के रेडी हो गई और जो है ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर बैठी हूँ। अभी मम्मी के रूम में हूँ मैं और ब्रेकफास्ट में वही है आलू लंगौड़ी जो अभी मैंने रेसिपी शेयर करी थी। और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है मेरे से। हाँ अभी फिलहाल तो ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अगेन मैं वापस आ गई हूँ अपने बुटीक एरिया में, क्योंकि कल गोलू की जैसे कि बर्थडे है तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हैं। और अभी मैं बस रिटर्न गिफ्ट एक्सेट्रा सब कुछ पैक करना है और जो थीम बनाई है थीम अभी मैं लीकआउट नहीं करूँगी। वैसे लीकआउट करने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार प्रिपेयर हो जाए ना तो वो कल का जो व्लॉग होगा, मीन्स जो आप परसों देखोगे, वो उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो अभी जो है थीम ही रेडी कर रही हूँ मैं। तो अभी जो थीम का मटेरियल आया है मेरे को, उसको सारा प्रिपेयर करना है मेरे को एंड देन मैंने को जो है गिफ्ट्स, जो रिटर्न गिफ्ट्स हैं वो सब पैक करने हैं। यही सब चीज़ें अभी हैं, तो बस मैं पहले पैक कर दूँ रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ। फाइनली रिटर्न गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स सब कुछ पैक हो चुका है, ये देखो ये सब पैकिंग हो चुकी है। ये मेरे बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स रहे एंड ये गिफ्ट्स रहे।
और ये भी गिफ्ट्स रहे, ये हमारे रिटर्न गिफ्ट्स हो गए। ये हमने कुछ अलग अलग इसलिए रखे जिससे कि हमें पहचान पड़े, क्योंकि उस टाइम जब बच्चे बच्चे होते हैं तो उससे हौच पोच रहते हैं, इसलिए हमने अलग अलग ट्रे में डिवाइड कर रखे हैं कि भाई ये हमारे ट्रे जो है ये रिटर्न गिफ्ट की है, और ये ट्रे जो है मेरी किस चीज़ की, देखो हो गई क्या, हो गई कन्फ्यूज में, ये गेम की है, ये गेम की है और ये हाउसी की है। हमने इस तरीके से गिफ्ट्स पैक करके और उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब टाइम क्या हो रहा है, 3:30 बज गए, ये सब काम करते हुए हमें 3:30 बज गए। इस बीच हमने थीम भी प्रिपेयर कर ली है, थीम का जो भी मटेरियल था उसको सबको पेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हो चुका है, थोड़ा सा फाइनल टच कल ही हो पाएगा जब वो डेकोरेशन स्टार्ट होगी। तो अभी शाम में से 3:30 बज गए, अभी मुझे सबको कॉल भी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ कुछ पीती हूँ, क्योंकि स्नैक्स टाइम हो चुका है। तो अभी मम्मी के रूम में चलती हूँ, मम्मी ने ना आज कुछ हमने बनाया था खाने, तो मम्मी ने चिप्स पापड़ तले हैं, तो अभी फिलहाल मैं वहीं पे चल रही हूँ। फिलहाल हम लोग मार्केट आ गए, मार्केट आने के बाद ये हुआ कि ना भूख लगाई और टाइमिंग नहीं था, तो बस 6:30 बजे थे, तो ये था कुछ खा लूँ, भूख लग रही थी बहुत जोर से सुबह से काम करते करते, और जिसकी बर्थडे है वो ये देखो। तो मैं अभी हम पिज्जा किंग में हम लोग पिज्जा किंग में बैठे हुए हैं इस टाइम, और बस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, बर्गर ऑर्डर किया है और बस कोल्ड ड्रिंक, हालांकि कोल्ड ड्रिंक जुकाम की वजह से छोड़ रखी है। बस ये है पिज़्ज़ा सिंगल नहीं खाया जाता, उसके लिए मतलब कुछ चाहिए उसको उसके साथ। तो अभी बस हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का। फिलहाल मार्केट से आ चुकी हूँ एंड ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कल तक काम तो लास्ट मोमेंट तक नहीं निपटेगा, और अभी मैं बस बैठी हुई हूँ और गोलू एक्साइटमेंट है, देखो मैंने केक देख लिया है। हम लोग बस गोलू के लिए सरप्राइज वगैरह प्लान कर रहे थे, लेकिन ये ना बच्चे बड़े जाते हैं शैतान हो जाते हैं, अभी ना इसने सब कुछ देख लिया। नहीं मैं तो एक ही वो देखा है केक, और क्या कहते हैं वो जो टोपी भी लगाते हैं, गाइस अब देखिए मैं पाल। तो गाइस अभी बस हम लोग मार्केट वगैरह से आके हमने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया है। हम गोलू से कह रहे थे सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन गोलू सो नहीं, वो सो ही नहीं रहा, वो सो ही नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस टाइम है इस टाइम 11:51, अभी 10 मिनट बाकी है और गोलू सो चुका है, देखो बोलेगी। गाइस अभी हम लोग ना अलेक्सा से डिस्कस कर रहे, जिस वॉल्यूम में मैं डिस्कस कर रही थी ना, हेलो अलेक्सा कैसी हो, तो अलेक्सा कह रही थी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप इतनी धीरे क्यों बोल रही हो। अलेक्सा भी ऐसी बात कर रही थी हम लोगों से। तो अभी गोलू सो चुका है और जो है हम लोग बस 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में सोच रही थी कमरा समेट दो, थोड़ा कल को काम में आएगा, लेकिन अब कमरा भी नहीं समेट पाई, बस थोड़ा सा सजाया ही ड्राइंग रूम में, कुछ नहीं करा, गोलू के फोटोज़ वगैरह लगाया है लाइट्स में, ये सब करके आई हूँ, केक वगैरह कैप वगैरह सब कुछ रखे है। अभी बस 10 मिनट बाद आसमान के साथ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। गोलू 30 डिग्री न्यूनतम होने की संभावना है। आओ चलो, ओ ओ बेटे आओ, वाओ नाइस। अलेक्सा प्लीज प्ले हैप्पी बर्थडे, लाइट ऑफ करो ना। अरे 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 बारे बोल रहा है, चाचा आप भी खिलाओ, दोनों साथ में खिलाओ। क्या कर रहा है ये, बंदर जा, बंदर जा, बंदर जा।
यहाँ तो होली चल रही है। खा लिया, पेट भर गया, उतना है। आग में नहीं आ रही है। तनिष्क लो, चलो खाओ। भाई मेरे के लगा है। तो गाइस यहाँ पे मिडनाइट सेलिब्रेशन हो चुका है और ये पीछे कुछ चल भी रहा है। मैंने बहुत दिया। अरे सब प्ले गाइस अभी सेलिब्रेशन हो चुका है एंड सब लोगों ने अपने मुंह वगैरह धो लिए क्योंकि सब पुछ चुके थे। सभी क्लियर हो चुके हैं वापस से। सबसे ज्यादा मैं पिता हूं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही क्योंकि कल काफ़ी सारा काम करना है, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, सारा मतलब डेकोरेशन एक्सेट्रा सब पे ध्यान देना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल दैट टाइम केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक। अगर चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Escape from a thousand fires. I'm gonna kiss you wherever you are, and I'm gonna miss you. I will never lie.